पैक करना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड, पापा वाला काम आप कर रही हो ना, ये अच्छी बात है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल दिन के 12 बज रहे हैं। अभी हम लोग जो है वो ऑन द वे हैं, जा रहे हैं शाहजहांपुर से सीधे हरदोई। एक्चुअली अभी हम लोगों को जो है वो लखनऊ के लिए निकलना है। अनी और शनाया नहीं जा रही हैं, मैं जा रहा हूँ और साथ में अमन जा रहे हैं। बाकी कुछ लोग जो है बाय ट्रेन आ रहे हैं। शनाया को मैंने ऐसे पकड़ लिया है क्योंकि ये जो है बार बार म्यूजिक प्ले कर रही हैं, पापा को ब्लॉग नहीं बनाने दे रही थी। और पीछे अनी है, हाय कर दीजिए। हाय, आपसे मैंने नहीं बोला था हाय करने को। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप ही कर दो, हाय कर दो। हाय गाइस, मैं हरदोई जा रही हूँ। मैं दादी के पास से आ रही हूँ। तेज बोलो, जैसे चिल्लाती हो पापा, वैसे ही चिल्लाओ पापा नहीं है ना। आप किस किस से पैसे मांग सकती हो, किससे नहीं मांग सकती हो, बताओ। ये एक्चुअली सबसे जिसे इनका मूड हुआ कि ये कह देंगे मुझे पैसे चाहिए। आप किसी से नहीं लोगी ना आज। एक्चुअली इनके बाबा मॉर्निंग में पैसे दे रहे थे तो बाबा से भी मना कर रही थी, बाबा से भी मना कर रही थी। पैसे लेना अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा लिए नहीं, बाबा से भी नहीं, बाबा से ले लिया करो, बाबा से, दादी से, पापा से, मम्मा से। क्या होता है, डेंजर होता है, स्ट्रेंजर होता है। शरारती लड़की बन रही है ना, अगर इनसे कुछ भी कहो तो कैसे कर देती हो पापा का। अच्छा मुंह बंद कर देती हो, गंदी बात है बेटू, पापा डांट ना पाएंगे। शनाया को एक्चुअली आइसक्रीम चाहिए थी। लो लो, खोलो, अंदर से नहीं मिलेगी, बहुत चाहिए ना आइसक्रीम। थैंक यू कौन बोलेगा, मेरे लिए भी ले आता आइसक्रीम। नहीं आप मत खाओ, मम्मा को दे दीजिए बेटू, आप मत खाइए, मम्मा को नहीं देगी वो। फिलहाल शनाया ने जो है वो मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर दिया है। बेटू वेयर इज माय लंच। ओके, और ये मेरे लिए पिज्जा बनाया है इन्होंने। बेटू मैं एक स्लाइस लूं, कितनी लूं? चेयर पे बैठ के प्रॉपर तरीके से पापा को लंच कराएगी। वेरी गुड, फ्रेंच फ्राइज भी ला दीजिए। एक्चुअली शनाया कल गई थी जो है वो रामलीला देखने के लिए। रामलीला तो खत्म हो चुका है, बट मेला देखने गई थी तो वहाँ से लेके आई है। पूरा सेटअप है पिज्जा का, फास्ट फूड का, और ये है फ्रेंच फ्राइज जो कि है इसकी फेवरेट। अब बेटू आपने आइसक्रीम लगाई, अभी तक साफ क्यों नहीं की आइसक्रीम? आइसक्रीम भी साथ में? आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम। ओहो ये है पेप्सी, क्या यार छोटे छोटे आइटम है, बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड, मैं तो मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम ऐसी होती है। आपकी तो भाई फेवरेट आइसक्रीम। आइसक्रीम तोड़ दी मैंने, एक कट नहीं रहा है, बहुत हार्ड है। यमी है। और जूस भी पी लो, पी लीजिए, जूस भी पी लीजिए, पी लो। पापा मैंने आपको नाश्ता बना दिया, थैंक यू। और बाय द वे आज इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच भी है, वो भी है लखनऊ में। बट हम लोग इतने ज्यादा अनलकी हैं कि भाई टिकट ही नहीं मिल पाए। मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया कि टिकट्स मिल जाएं, बट इंडिया के किसी भी मैच की टिकट्स नहीं मिल रही। मतलब बीसीसीआई का भाई सब कुछ अच्छा रहा, इस वर्ल्ड कप को बहुत ही अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बट टिकट्स का सीन वो सेट नहीं कर पाए। और बुक माई शो पे पता नहीं क्या सीन चल रहा है, मतलब उसपे कभी ये दिखाई नहीं कि भाई आपको टिकट्स मिल सकती है। तो पता नहीं क्या है, 1500 की टिकट 15000 में मिल रही है, वो भी कहाँ से मिल रही है ये भी नहीं पता है। बेचारे बहुत लोगों की दिली इच्छा थी कि इस बार जो है वो स्टेडियम में जाके वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे, बट इच्छा लोगों की अधूरी रह गई। आजकल मैं हेल्दी खाने को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, और इसलिए जो है मैंने अभी लंच किया था, बट फिर भी थोड़ी सी भूख लग गई तो मैंने जो है एक अनार छीन लिया है। और आजकल जो है थोड़ा फिटनेस पे भी काम चल रहा है, तो इस वजह से जो है मतलब मेरा वेट वगैरह कुछ अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन मैं मॉर्निंग में जो है एक्सरसाइज करता हूँ डेली, भले ही थोड़ी करूँ। और आज एक बहुत ही बड़ा आइटम भी मंगवाया है, सरप्राइज समझ लीजिए, काफ़ी बड़ा बॉक्स आ रहा है, उसमें जो है एक्सरसाइज से संबंधित कुछ सामान है, मे भी एक दो घंटे में डिलीवर हो जाएगा, तो आ जाएगा, फिर मस्त एक्सरसाइज जो है शुरू हुआ करेगा। बाय बेटू, बाय। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और अमन को भेज दिया है मैंने, कहा टिकट लेके आओ, तो एक्चुअली काउंटर थोड़ा दूर है तो वो लेने गया है टिकट। आगे ट्रेन शाहबाद आ गई है, थोड़ी देर में अभी जो है वो स्टेशन पहुँचने वाली है। अभी इधर रेनोवेशन का काम चल रहा है, पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह ठीक किया जा रहा है। फिलहाल हम लोगों की ट्रेन आ गई है, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, यात्रीगण उतर रहे हैं ट्रेन से।
फिलहाल ट्रेन जो है वो बिफोर आ गई है, ज्यादातर तो लेट ही रहती है बट आज काफी जल्दी आ गई। प्लेटफॉर्म का रिनोवेशन कर दिया गया है। मैं एक्चुअली काफी दिनों बाद ट्रेन से आया हूँ तो पूरा जो है बदल गया माहौल यहाँ का। मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा था कि ये आलमनगर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ तब मैंने पहचान पाया। फिलहाल ऑटो बुक कर लिया है और बाकी बंदे भी आ रहे हैं तो वो लोग आ जाएं फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और ट्रेन में अभी जो है एक सीन हो गया, एक्चुअली एक कपल थे तो वो लोग शादी वादी करना चाह रहे होंगे तो वही बातचीत चल रही थी, काफी देर उनका डिस्कस हो रहा था, काफी लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था। मैं तो भाई ऊपर लेटा मस्त सुन रहा था उनकी बातें। तो सीन ये था कि लड़की शादी करने को है, लड़के के थोड़े भाव बड़े हुए हैं और लड़का कह रहा है कि वो आपने अपना घर नहीं दिखाया, वो मेरे जीजू जो है वो घर देखना चाह रहे, यही इधर उधर की बातें। तो लड़की ने सही जवाब दिया कि मुझे आपके घर रहना है या आपको मेरे घर, ऐसा डिस्कस चल रहा था। फिलहाल इंडिया की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अभी 50 रन बने हैं और 3 विकेट हो गए हैं। आप देखो कैसा क्या रहता है टारगेट, जिस रुपये सवारी हल्की हो या भारी। फिलहाल हम लोग जो है वापस आ गए हैं स्टेशन पे। एक्चुअली मेरे मौसी जी के बेटे विशाल हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो यहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस वजह से हम सारे लोग गए थे उनसे मिलने। और अभी हम लोगों की ट्रेन आने वाली है तो स्टेशन पे आ गए। ज़्यादा ब्लॉग वगैरह मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है। तो अभी ट्रेन से हरदोई पहुँचते हैं और भाई रात में स्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आलमनगर रेलवे स्टेशन। लग ही नहीं रहा कि भाई आलमनगर में है। एक्चुअली कल रात में मैं काफ़ी लेट वापस आ पाया था तो ब्लॉग वगैरह जो है वो आगे नहीं बन पाया। और अभी मैं कोर्ट से वापस आया हूँ तो मैंने कहा कि जो है ये हम लोगों का जो बॉक्स आया है सरप्राइज वाला बॉक्स है जो, तो उसे जो है अनपैक करते हैं। और शनाया भी इधर आ चुकी हैं, हाय बोल दीजिए शनाया फिर से। हाय। ज़्यादा फ़ोन नहीं देखते ठीक है, अब नहीं देखोगी ना, प्रॉमिस करिए पिंकी, प्रॉमिस करिए। कल से नहीं देखो। हाँ कल से नहीं देखोगी, कल देखोगी क्या? नहीं। हाँ वेरी गुड, मेरा बहुत अच्छा बच्चा, समझदार बच्चा है। वाओ ये मेरा है क्या? मैं कल से फ्रेश नायक ले मंगवाया है। मेरा? अरे उधर नहीं, इधर की जो। हाँ गुड गुड। नहीं नहीं इधर नहीं, ऐसे झूला वाला। कोई दिक्कत नहीं है बॉक्स में, पापा वाला काम आप कर रही हो ना, ये अच्छी बात है। देखे शुभारंभ करा रहे हैं। बेटू आप नहीं कट कर पाओगी, आपके बस की बात नहीं है। ये है एक्चुअली ट्रेडमिल जिसपे हम लोग जो है वो रनिंग वगैरह किया करेंगे, मतलब फिटनेस के लिए परफेक्ट है। चेक कर लेते हैं टूल्स वगैरह हैं या नहीं है, तो इसे जो है बाहर निकालते हैं। काफी ज्यादा सेटअप करना पड़ेगा और इसके लेग्स किधर हैं, लेग्स होंगे और ये है इसके लेग्स वगैरह, साथ में स्क्रू हैं। तो फाइनली हम लोगों की जो है वो मशीन रेडी हो गई है। हम लोगों की ट्रेडमिल रेडी हो गई है, शनाया भी रनिंग करेगी इस पर ठीक है। इसके अंदर जो है ये पूरी स्क्रीन है इसके, इसमें जो है आप अपना देख सकते हैं कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न हुई है, क्या स्पीड है, जिस तरीके से चाहें इस तरीके से सेट कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ से जो है आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से रनिंग करनी है। और एक कप होल्डर है और इधर ये है इमरजेंसी बटन, इसमें मतलब एक क्लिप जैसी होती है वो लगा लो अपनी टी शर्ट में, अगर बाय द वे गिर गए तो ये मशीन जो है स्टॉप हो जाएगी। श्री गणेश हो गया उसका और अनी से ट्राई कराएंगे। जाओ नहीं नहीं नहीं, अरे कोई लेडीज फर्स्ट होता है, ये तो उल्टे चल रही है। नहीं नहीं सही चल रही है, और कहीं गिर गिरा ना, नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ऐसे नहीं पैर, हाँ हाँ कोई नहीं, खड़े हो जाओ सही है। चलो आप पहले चलते तो मैंने पता चल जाएगा गिर जाएंगे, फिर बेइज्जती होगी। नहीं 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 बेइज्जती नहीं होगी। हाँ गुड, चलो फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ। हाँ। शूज पहनेंगे, शूज पहन के फिर चलो। नहीं आपको आपको चोट लगता है। जाओ जाओ जाओ, ये देखो बात, स्पीड कम करो। हाँ स्पीड कम करो यार, कहाँ से होगी, ये माइनस करो। अच्छा क्यों, एक बार आप भी ट्राई कर लो चल के ट्रेडमिल पे। अभी तो आप चिल्ला रही थी मुझे करना है, मुझे रनिंग करनी है, नहीं करना है। चलो एक बार, एक बार डर लग रहा है। आप ओह माय गॉड, ठीक है रोना मत, आप अपने टॉय से खेलिए ओके।
फिलहाल मैंने जो है अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली भाई। मशीन से उतरने के बाद में काफी ज्यादा चक्कर आ रहा है। इन्होंने भी की थी 1 किलोमीटर, होल्ड भी कर सकते हैं, ये अच्छा है। आज जो है भाभी जी क्या बना रही है, पनीर बना रही है और इधर काजू बॉइल हो रहा है, इसी पे पड़ेंगे। और इधर मटर छीली जा रही है, तो फटाफट बनाइए क्योंकि भूख काफी तेज लग रही है। शनाया आज काफी जल्दी सो गई, एक्चुअली ये दिन में सोई नहीं थी, तो अगर जिस दिन नहीं सोएगी तो भाई जल्दी जो है सो जाती है। और बाकी अभी मैच चल रहा है, मैच में आजकल ये सीन है कि जो है बड़ी बड़ी टीमें छोटी छोटी टीमों से धराशायी हो रही हैं, तो यही कुछ सीन है। अभी खाना खाएंगे फिर जाएंगे वॉक करने के लिए। आजकल एक्चुअली ब्लॉगिंग वगैरह इसलिए नहीं हो पा रही, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा, सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम की, तो यही कुछ सीन है। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ब्लॉग डालते रहें। तो फिलहाल इस बारे ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।